एसपी दीपक कुमार शुक्ला के मार्गदर्शन में कोतवाली थाना प्रभारी विकास कपिस द्वारा एक व्यक्ति को पकड़ा। उससे एक देसी पिस्टल और 4 जिंदा राउंड कारतूस जब्त कर विभिन्न धाराओं में कार्रवाई की। दरअसल जिला पुलिस कप्तान दीपक कुमार शुक्ला द्वारा जिले के सभी थाना प्रभारियों को अवैध गतिविधि और संदिग्ध व्यक्तियों पर कार्रवाई के स्पष्ट निर्देश दिए। वहीं टीआई विकास कपिस एवं बड़वानी पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर आशाग्राम के पहाड़ी के आसपास से हथियार लेकर घूम रहे दिनेश पिता रेम सिंह निवासी अंतर संभा को पकड़ा। उससे एक देसी पिस्टल, 4 जिंदा राउंड जब्त कर आर्म्स एक्ट एवं विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर विवेचना में लिया। बड़वानी थाना क्षेत्र की है घटना। युवक को पुलिस ने किया हमारे जिले के पुलिस अधीक्षक महोदय श्री दीपक कुमार शुक्ला सर के द्वारा निरंतर अगर गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए और संदिग्ध व्यक्तियों पर निगरानी रखने संबंधी निर्देश पूर्व समय दे रखे हैं। इसी तारतम्य में हम लोगों को कल सूचना मिली कि एक व्यक्ति भी आशाग्राम पहाड़ी के आसपास में अगर पिस्टल लेकर देखने की फिराक में घूम रहा है। हम लोगों ने तत्काल एक पुलिस की टीम तैयार की, जहां वहां मौके पर पहुंचे हम लोगों ने एक व्यक्ति को वहां पर पकड़ा। पूछताछ करने पर उसने अपना नाम दिनेश पिता रेम सिंह निवासी ग्राम अतर सुंदा थाना सिलावत होना बताया। चेकिंग के दौरान उसके पास से एक देसी पिस्टल और 4 राउंड जिंदा बरामद हुए हैं, जिसे हमने जब्त किया है और आम से की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। आगे देखना की जा रही है। आरपीटीवी न्यूज की खबर पाने के लिए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और आरपीटीवी न्यूज की खबर को लाइक शेयर करें। जय